रेलवे कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान, रेलवे बोर्ड से महत्वपूर्ण और ताजा अपडेट। जी हां दोस्तों, रेलवे कर्मचारियों की विभिन्न मांगों को लेकर 13 मई 2022 को नेशनल फेडरेशन ऑफ इंडियन रेलवे मैन और सीआरबी एंड सीईओ रेलवे बोर्ड के बीच में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई थी और इस मीटिंग के दौरान रेलवे कर्मचारियों से जुड़े हुए कई मुद्दों के बारे में चर्चा की गई। लेकिन बड़ी खबर यहां पर निकल कर आ रही है, वो रेलवे कर्मचारियों के नाइट ड्यूटी अलाउंस को लेकर है। और जैसे कि रेलवे कर्मचारी काफ़ी लंबे समय से नाइट ड्यूटी अलाउंस का फिर से भुगतान किए जाने की मांग कर रहे हैं और ये जो मांग है ये जल्दी ही रेलवे कर्मचारियों की पूरी होने वाली है, क्योंकि NFIR के द्वारा ये बताया गया है कि रेलवे कर्मचारियों के लिए नाइट ड्यूटी अलाउंस की फिर से बहाली का जो वो मुद्दा है वो फिलहाल फाइनेंस मिनिस्ट्री के पास में लंबित है। जैसे ही वित्त मंत्रालय यानी कि फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा इसको अप्रूव किया जाता है, रेलवे कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तो यहाँ पर जो मेन बात यह है कि रेलवे बोर्ड के द्वारा किसी प्रकार की दिक्कत नहीं है रेलवे कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान किए जाने को लेकर, लेकिन जो मामला है वो फिलहाल वित्त मंत्रालय के पास में है। वित्त मंत्रालय से अनुमोदन मिलने के बाद रेलवे कर्मचारियों को फिर से नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान शुरू कर दिया जाएगा और इसके बाद में जो रेलवे की सुपरवाइजरी पोस्ट हैं उनको भी ग्रेड पे 4800-5400 यानी लेवल 8 और 9 का लाभ दिए जाने की जो मांग है वो भी मांग फिलहाल वित्त मंत्रालय के पास में विचाराधीन है। वित्त मंत्रालय से मंजूरी मिलने के बाद में रेलवे कर्मचारियों को अब सुपरवाइजरी जो पोस्ट हैं वहाँ पर भी 4800 और 5400 ग्रेड पे का लाभ दिया जाएगा। और इसके अलावा यहाँ पर जो ट्रॉली बैग को उसकी शुरुआत यहाँ पर की गई है इसको लेकर भी जो रेलवे कर्मचारी हैं वो थोड़ा सा खुश नहीं है। तो यहाँ पर अब ये मांग की गई कि इस फैसले को वापस लिया जाए। तो ये कुछ महत्वपूर्ण मांगें हैं, लेकिन सबसे बड़ी मांग यहाँ पर जो है रेलवे कर्मचारियों की वो जल्दी ही पूरे होने वाली है कि उन्हें नाइट ड्यूटी अलाउंस का भुगतान फिर से शुरू कर दिया जाएगा। तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर दें हर एक लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले देखने के लिए।